जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। खास बात यह है कि चिनाब ब्रिज पेरिस में स्थित एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक पूरा होने के बाद चिनाब ब्रिज पर रेल यातायात शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। नदी के तल से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर यानी 1178 फीट है। ये एक आर्क ब्रिज है और एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर में बने चिनाब ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है और इसकी निर्माण लागत 1400 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को झेलने में सक्षम होगा। इसके लिए टेस्ट किए जा चुके हैं। इसकी उम्र 120 साल होगी। इसका मतलब यह है कि पुल एक सदी से भी अधिक समय तक बड़ी आसानी से भारतीय रेलवे में सेवारत रहेगा। इस ब्रिज को स्ट्रक्चरल स्टील से बनाया गया है और यह -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेलने में सक्षम होगा। चिनाब पुल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रेल रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। चिनाब पुल में कुल मिलाकर 18 खंबे हैं। सबसे ऊंचा कंक्रीट पिलर करीब 49.343 मीटर का है और सबसे ऊंचा स्टील पिलर करीब 130 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज में लगभग 27,000 टन से भी ज्यादा स्टील की खपत हुई है। डीआरडीओ की मदद से इस पुल को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है। ब्रिज को जोड़ने के लिए विश्व स्तरीय वेल्डिंग को उपयोग में लाया गया है। चिनाब ब्रिज देश में पहला ऐसा पुल है जो ब्लास्ट लोड के लिए डिजाइन किया गया है। यह आर्क ब्रिज रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप का सामना करने में सक्षम होगा और 30 किलोग्राम विस्फोटकों से होने वाले ब्लास्ट का सामना कर सकता है। चिनाब ब्रिज USBRL का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर में रेलवे यातायात को बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। खास बात यह है कि चिनाब ब्रिज जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट को 2003 में यानी 20 साल पहले मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके निर्माण के लिए लोगों को 2 दशकों का लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल सुरक्षा कारणों की आशंकाओं के चलते इसमें देरी हुई।